हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके अपने ही चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ में चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करना था, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड, जेड यहाँ पर इंटीजर्स को शो कर रहा है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन आर इक्वल्स टू 12। ये आपको यानी एक सेट ए दिया है, तो एक सेट ए का मतलब ये जो रिलेशन दिया, अगर इसको हम मतलब देखें तो एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर है, मतलब 0 को लेना है, और 12 से छोटा या बराबर यानी 12 को भी लेना है, यानी 0 से लेकर के 12 तक टोटल नंबर है। यानी अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो रिलेशन दिया हुआ, क्या लिख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कहने का मतलब आपका जो सेट ए का मतलब यही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें पहला क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच देट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और सेकेंड पार्ट में दे रहा है, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी आर इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन द ईच केस। देखो, हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी जो दो पार्ट है दोनों में ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको देखिए पता है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ऑलरेडी सभी बातें हम लोग लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये तीनों को एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव है इस जो गिवन रिलेशन में, देखना अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बोल रहा है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी इस रिलेशन में हम लोग दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अब इसमें कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 0 ले लेते हैं, तो 0 माइनस 0 0 आता है और 0 4 से मल्टीपल होता है। अब इन दोनों में एक ऐसा नंबर उठाओ जो 4 का मल्टीपल हो, तो देखिए 1 और 5, और 1 में से 5 को अगर आप माइनस करोगे तो माइनस 4, और माइनस 4 क्या होगा, अरे भाई माइनस 4 मॉडुलस में तो प्लस 4 हो जाएगा ना, 4 का मल्टीपल हो गया। वैसे आप और भी रिलेशन देख सकते हो, जैसे अगर 2 का 6 के साथ हम लोग देखें तो 2 माइनस 6 करेंगे तो ये भी माइनस 4 आएगा, और मॉडुलस में माइनस 4 यानी 4 का मल्टीपल होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो इस चीज़ को हमको लिखना रहेगा, तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग ऐसे मान लेते हैं, आप इसमें से कोई एलिमेंट ले लो या कोई मैं ए बी सी करके मान लेता हूँ। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट ए इज एलिमेंट ऑफ जेड, समझ में आ रहा है, ए क्या है, जेड का एलिमेंट है, या आप जेड बोल लो या आप ये भी बोल सकते हो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इसमें से हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लिए ए। और आपको पता है कि हम लोग इसको लिखना चाहें, अब बी के जगह भी क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, तो ए माइनस ए मॉडुलस में क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है 0 क्या होता है, ये मल्टीपल ऑफ 4 होता है, विच इज, लिख लीजिए, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी खुद का खुद के साथ इसका रिलेशन है, तो आप बोल सकते हो ये क्या है, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो आप बोल सकते हो गिवन, सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब चलिए हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ कर लेते हैं कि सिमेट्रिक भी है कि नहीं है। तो सिमेट्रिकली क्या होता है भाई रिलेशन, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, यही ना। तो अब देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे, ध्यान से एकदम समझिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। लेट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज, दिया ही है ये, मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम लोग क्या करें, इसमें से माइनस अगर कर लें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, हमको अब क्या दिखाना, अगर ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर ये मॉडुलस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग माइनस कॉमन करें तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उल्टा इसका।
अब देखिए अगर मॉडुलस में माइनस है वो तो प्लस ही हो जाता है, तो इसका वैल्यू भी देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि a माइनस बी को हम लोग b माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए a का b के साथ रिलेशन है तो b का a के साथ भी रिलेशन है, सो वी कैन से दैट r इज, यानी गिवेन रिलेशन इज क्या है, सिमेट्रिक। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है भैया, ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ सी का रिलेशन है, तो ए के साथ भी सी का रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शो कर देते हैं। तो लेट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ आर, एंड ये भी मान लेते हैं हम लोग पहले दिखा चुके हैं क्या, बी माइनस सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, यानी a का b के साथ रिलेशन, b का यानी इसका मतलब ये है कि भाई a माइनस बी क्या 4 का मल्टीपल है और b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। तो अगर ये दोनों 4 का मल्टीपल है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 या a माइनस सी इज ऑल्सो मॉडुलस में एलिमेंट ऑफ r बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, देखिए फिर से देखिए अच्छे समझा रहे हैं। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है और b माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो क्या a माइनस सी 4 का मल्टीपल नहीं होगा, होगा। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको नंबर से समझाता हूँ। देखिए 1 माइनस 5 4 का मल्टीपल है, समझ में आ रहा है, 5 माइनस 9 4 का मल्टीपल है। देखो 1 माइनस 5 4 का मल्टीपल है, 5 माइनस 9 4 का मल्टीपल है, तो देखो 1 माइनस 3 जो 8 आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं हुआ, हो गया ना। आप चाहो तो वो नंबर्स लेकर के भी दिखा सकते हो, चलो मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस क्या ले रहा हूँ 5 इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड अब 5 के साथ रिलेशन जोड़ो, किसका साथ आ रहा है, 9 का आ रहा है, तो 5 माइनस 9 इज मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 इम्प्लाइज क्या, 1 माइनस 9, देखो a का b के साथ रिलेशन, b का c के साथ रिलेशन, तो a का c के साथ मतलब 1 का 9 के साथ रिलेशन इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। सो अब आप बोल सकते हो सो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, अब आर ट्रांजिटिव हो गया तो आप बोल सकते हो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस बात को हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, देयरफोर वी कैन से दैट, भाई क्या बोल सकते हो, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से बच्चों हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को करते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो बच्चा पार्टी सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हमको गिवन रिलेशन क्या दिया भाई, एक में तो 0 से लेकर के 12 तक का नंबर आप देख चुके हैं। यहाँ गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ, a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b, तो इसके लिए भी हमको इक्विवेलेंस दिखाना है, तो तीनों दिखाना पड़ेगा, तो एक एक करके दिखाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट a इज एलिमेंट ऑफ a, यानी कैपिटल में से कोई एलिमेंट में 0 से लेकर के 12 से में से कोई एक a नंबर है, ठीक है। अगर a एक का एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं, देन आप ऐसा बोल सकते हो a कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ r, एज आप बोल सकते हो क्या a बराबर a, अरे भाई कोई खुद का खुद के साथ तो रिलेशन होगा ना बराबर का, हम खुद के दो ऐसे नंबर लेने हैं कि दोनों आपस में बराबर हो, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं भाई कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो कोई भी नंबर खुद का खुद के तो बराबर होता ही है ना, तब बोल सकते हो ये रिलेशन। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं बच्चों, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए सिमेट्रिक के लिए देखिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चलिए करते हैं कि करके टेंशन मत लीजिए, नाव करके लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप देखिए कैसे लिखेंगे, a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r, यानी a b के बराबर है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो क्या b a के बराबर नहीं होगा, अरे भाई अगर सपोज करो कि एक कोई दूसरे के बराबर हो तो दूसरा तो पहले के बराबर है ना, ऐसा बोल सकते हो,
ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इसको एलिमेंट ऑफ आर बोल सकते हो। ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन इम्प्लाइज बी कॉमा इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि दोनों के बीच तो बराबर का रिलेशन है। क्योंकि आप बोल सकते हो, कैसे लिख सकते हो, सिंस ए इज इक्वल्स टू बी देन वी कैन से दैट बी इज इक्वल्स टू ए, कोई फर्क नहीं। आप इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, तो ए का बी के साथ रिलेशन, बी का ए के साथ रिलेशन गिवन में, सो वी कैन से दैट आर इज क्या सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए भैया, अब देखो ध्यान से, लेट ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी ले लो, ठीक है, लेट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए बी के बराबर, एलिमेंट ऑफ आर मतलब इस गिवन रिलेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी के बराबर है, एंड और नंबर ले लो b कॉमा सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ r, हम क्या बोल रहे हैं, a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो क्या a c के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, तो इम्प्लाइज आप बोल सकते हो a कॉमा सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ r इन गिवन रिलेशन, सो वी कैन से दैट r इज ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सो हम लोग बोल सकते हैं सो या देयर फोर R is an equivalence relation. तो हम लोग बोल सकते हैं भाई R क्या एक equivalence relation है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।